सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, वैसलीन से फुल फेस को मॉइस्चराइज करें, मेकअप रिमूव करने के बाद भी करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, भूलना मत। सो ये इनसाइड का प्राइमर है जो पूरे फेस पे प्रॉपरली मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अगर आपको ये स्किप करना है तो करके आप डायरेक्ट फाउंडेशन पे जा सकते हो, क्योंकि हम लोग ने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, तो आपको करना है तो आप कर सकते हो पोर्स क्लोज करने के लिए। सो ये है नेचुरल कलेक्शन का फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ फुल फेस पे अपने हाथ के हेल्प से, प्रॉपरली उसे फुल इवन कर रही हूँ स्किन को फाउंडेशन अप्लाई करके, कि ज़्यादा इवन लगे फुल स्किन और कुछ नहीं। सो ये है शिमर ब्रेक, ऐसा सेम शेड शिवाना में भी आता है, ये मेरे पास फिलहाल पार्टी क्लब का है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो प्रॉपरली चीक्स को कट किया है, जॉ लाइन को कट किया है, और लाइक मतलब फेस को कटिंग्स दिया है ऐसे लुक के लिए, और फोरहेड पे किया है। मतलब आप देख सकते हो मैं थोड़ा फिंगर्स के हेल्प से उसे डल कर रही हूँ, क्योंकि हमें इतना नहीं चाहिए फेस कट का ज़्यादा लुक। ये प्रॉपरली हम लोग ने फाउंडेशन ओवर हो रहा था, इसके लिए मैंने प्रॉपर इसे सेट कर लिया है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्रशर 001 ADS का, जो प्रॉपरली ब्रश के हेल्प से मैं अप्लाई कर लूँगी चीक्स पे। सो आप देख सकते हैं प्रॉपरली अप्लाई हो चुका है मेरा ब्लशर। सो उसके बाद मैं लेने वाली हूँ ये है काजल, आई काजल है जो यूज़ कर रही हूँ, आई पेंसिल है ये 7 MM का आई पेंसिल है, जो प्रॉपरली मैं आप देख सकते हो लिप्स पे अप्लाई किया है थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आईज़ के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा, एक ही आई पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद है ये मिस गोल्ड का मेरा आई शेडो किटा है। उसके बाद आप देख सकते हो इतने सारे शेड्स में यूज़ करने वाली हूँ इसके अंदर, ये लुक के अंदर। सो पूरा मतलब ज़्यादा ब्लैकिश भी ना दिखना चाहिए और थोड़ा रियलिस्टिक भी दिखना चाहिए। अगर आधे लुक आप देख सकते हो मैंने लिपस्टिक के हेल्प से और और लिप ग्लॉस के हेल्प से आप देख सकते हो ये ब्लड का इफेक्ट्स दिया है। फेक ब्लड भी आता है जो अवेलेबल रहता है मार्केट में, फेक मतलब एक जेल जैसा आता है जो फेक स्किन भी जैसा रहता है, जिससे वो लोग सारे आप देख सकते हो जो हाई फाई रहता है मेकअप्स वाले लोग वो यूज़ करते हैं। मैं इतना हाई फाई नहीं बता रही हूँ आपको, DIY बता रही हूँ नॉर्मल, कि हर कोई आपके घर के जो सामान है उसके हेल्प से आप कर सको। आप देख सकते हो प्रॉपरली मैंने थोड़ा ब्लैकिश किया और रेडिश लिया है, ऊपर थोड़ा रेडिश इफेक्ट दिया है कि खून आके जमा हो गया है ऊपर, लाइक हमको कोई भी हाथ पे लगता है तो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, रेडिश हो जाता है, खून कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे। आप देख सकते हो मम्मी बोलते खून जम गया हाथ पे वैसा। सो आपको देखते हैं वैसे ही आपको लुक देना है, थोड़ा ब्लैकिश ऊपर थोड़ा रेडिश और लाइट ब्राउनिश सारे मिक्स करके आपको ये इफेक्ट देना है। आप देख सकते हो ये थोड़ा उधर मैं ब्राउनिश भी लगाऊंगी शेड्स। सो उसके हेल्प से मैंने ये फुल लुक आप लोग के लिए रेडी किया है। आप देख सकते हो मैं कैसे कैसे आगे फॉलो कर रही हूँ। अभी ये मैंने 7 MM का लिप पेंसिल है जो मैंने बहुत लाइटली लगाया, ज़्यादा डार्क नहीं किया है, ठीक है, हमें लाइट ही लगाना है, थोड़ा ही लाइट जैसा लगाया है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली ये लिप पेंसिल लगाया है। फिर मेरे पास ये मैटमी का आप देख सकते हो, मैटमी या फिर हुडा ब्यूटी, बहुत सारे मतलब ये ऐसे टाइप के आपको लिपस्टिक मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे शेप दे रही हूँ, कि जैसे कि किसने मारा है तो खून कैसे गिरता है ऐसे, वैसा मैंने इफेक्ट्स दिया है कि आपके फुल लाइक हम रोते हैं तो आंसू कैसे टपकते, वैसे खून भी निकल के ऐसे ही गिरता है। सो वैसे ही मैंने वो लॉजिक लगा के मैंने किया है, मेरा फालतू लॉजिक लगा के। सो अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना। और ये लिप ग्लॉस है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, आप कोई भी लिप ग्लॉस ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लिप ग्लॉस ही ले करके, कोई भी लिप ग्लॉस के हेल्प से आप ऐसा कर सकते हो। ये रेड लिप ग्लॉस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पिंकिश नहीं है, रेड लिप ग्लॉस है। सो आप लेने चाहो तो आप रेड लिप ग्लॉस ले सकते हो। सो आप देख सकते हो ये ब्राउनिश और ये जो है लाइट पर्पल, वैसा मैं थोड़ा उधर टैप करूँगी आपके इधर, थोड़ा पर्पलिश और वो डार्क पर्पल और लाइट पर्पल दोनों टैप करूँगी, लाइट पर्पल थोड़ा आजू बाजू और ब्लैक के ऊपर डार्क पर्पल टैप करूँगी। आप देख सकते हो इधर मैंने ये है, ये वही है लिप पेंसिल जो मैंने लिपस्टिक लगाया ना, वही लिप पेंसिल है। उसके आजू बाजू मैंने देखो थोड़ा सा ये कर लिया है, क्या आई शेडो कर लिया है, ब्लैकिश एकदम थोड़ा सा ब्लैक और आजू बाजू ब्राउनिश कर लिया है, ठीक है। सो उसके बाद मैं ले रही हूँ मैटमी का लिपस्टिक। आप देख सकते हो मैं ऐसे ही फुल कट के जो शेप में मैंने किया है वैसे फुल कट शेप में मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, उसके ऊपर टैप कर रही हूँ। और आप हंसना मत क्योंकि मैंने लिपस्टिक यूज़ किया है। सो ये मैंने आई शेडो थोड़ा आप देख सकते हो टैप कर लिया है, प्रॉपरली आई शेडो लगा लिया है,
सो उसके बाद मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा लिप ग्लॉस ले रही हूँ अपने नाखूनों पे और प्रॉपरली फुल ब्लड वाला इफेक्ट दे रही हूँ मैं। आप देख सकते हो कैसा लगा मेरा, मेरे को फुल सिर पे कट सा आ गया ऐसे लग रहा है वो लोग, और थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप ड्रॉप मतलब ड्रॉपलेट्स जैसा है ना उसके उधर लगाना है लिप ग्लॉस को, ऐसे पकड़ के भी आप लगा सकते हो वरना आप थोड़ा सा अपने नाखूनों पे मैं ऐसे लेके देख सकते हो ड्रॉपलेट्स जैसा लगा रही हूँ मैं कि वो खून गिर रहा है ऐसे फैल रहा है खून वैसे काइंड ऑफ लुक में, सो आप देख सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडिश आई शेडो कर रही हूँ उधर टैप, और इसके बाद मैं ये साइड थोड़ा आप देख सकते हो। अभी मैं पहले अपना आईब्रोज कर लूँगी, ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल है डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल, सो प्रॉपरली मैं आईब्रोज कर रही हूँ, प्रॉपरली शेप कर लिया मैंने आईब्रो को। अगर आप आईब्रो करते हो तो अपने को आपको आईब्रो से कैसे आईब्रो करने के लिए जाते हो आप पार्लर पे तो ऐसे थोड़ा स्ट्रेच देते हो आईब्रोज को ऊपर, ऐसे आईब्रो का मूवमेंट देते हो जब को आपको गुस्से से आप लुक देते हो कैसे आईब्रो ऊपर आता है वैसे लुक करके आपको अपना आईब्रोज फिल करना रहता है बेसिकली, तो प्रॉपर होता है। आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर लगाया, ठीक है, ये कंसीलर के ऊपर मैंने सेम ऐसा लिपस्टिक आप देख सकते हो मैंने लगाया है, और उसके ऊपर मैं वापस लिप ग्लॉस लेके लगा लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर लाइटिश ब्राउन जो रहता है ना लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन प्रॉपरली मिक्स करके वैसे दिया है कि हमें किसने किडनैप करके रखा था और हमारा मुंह इतना गंदा हो गया है वैसे काइंड ऑफ लुक में। आई नो मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी बोल रही हूँ। उसके बाद डार्क ब्राउन आई शेडो आपको टैप करना है, ज़्यादा जो आपके लेफ्ट आई है जितना डार्क है उससे बहुत ही कम होना चाहिए राइट आई, ठीक है, तो एकदम थोड़ा सा टैप करेंगे कि गंदा है करके, क्योंकि इतना क्लियर नहीं दिखना चाहिए करके, आपको मारा है तो इतने सुंदर तो नहीं दिख सकते। सो उधर भी मैं थोड़ा सा ब्रश के हेल्प से ब्लैक ब्लैक थोड़ा टैप कर रही हूँ और कुछ नहीं, उधर भी देख सकते हो फॉरहेड पे भी लगा रही हूँ, मैं गंदी हो गई हूँ फुल भूत जैसी। उसके बाद मैंने आप देख सकते हो थोड़े नेक पे भी मैंने ब्लैक ब्लैक करके आई शेडो आप टैप कर लिया है फोटो खींचने के बाद, सो नोज़ के ऊपर भी आप देख सकते हो मेरे को मार दिया है जोर से। अगर आपको ये मेकअप जो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आप देख सकते हो जूम आप देख रहे हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, प्लीज़ ये DIY को लाइक करना, आपके लिए और DIY मैं लाते रहूँगी मेकअप्स के। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, आपके लिए ऐसे DIY मैं लाती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ये DIY आप फॉलो करके डाल सकते हो, अभी मैंने इसके लिए आपके लिए अर्जेंट वीडियो लाई।